ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद तुम्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने परिवार लाइफ हाई स्टडी में आप सभी का स्वागत। गाइज, आप लोगों को कल जो क्लास स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट क्लास था नंबर सिस्टम का, आज हम उसका क्लास टू लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का। क्लियर गाइड, ये क्लास टू है, दूसरा क्लास आ जाए। कल हम लोग इंट्रोडक्शन सिर्फ देखे थे, कुछ चीज़ कल पढ़े थे हम लोग, डिजिट क्या है, उसके बाद नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसके बाद काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़े थे, इमेज रियल नंबर के वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास आज से हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलेंगे। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर गाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम लोग समझते चलेंगे। मतलब क्या, वैसा संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, माने कहने का मतलब जो संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में हो तथा क्यू नॉट इजकल टू जीरो हो। कहने का मतलब कि जो ये है अंश, मतलब क्या पी वाई क्यू, मतलब ये नहीं पी वाई, कहने का मतलब जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में, जो ऊपर रहता है इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, मतलब क्या नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और क्या होगा, पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू एक, मतलब क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या हो, समझ गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं गाइस। क्लियर, आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या हुआ। जैसे कहने का मतलब क्या, थ्री, जैसे कि थ्री बट्टा टू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बट्टा क्यू के रूप में है, और तीन भी एक पूर्ण संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, ये पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, मतलब कि यह पूर्णांक के रूप में भी है, तो मतलब और पी बट्टा क्यू के रूप में भी है। कहने का मतलब ओनली फॉर फोर, फोर एक परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा सर क्यू बाय बट्टा में क्यू नहीं है, तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि कोई भी संख्या के बट्टा में एक छिपा हुआ रहता, नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ रहता। क्या हम चार को वन, चार बट्टा एक नहीं लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू तो चार ही आएगा। कहने का मतलब अगर चार एक नहीं भी लिखा रहे तो एक ऑटोमेटिक छिपा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या पी बट्टा क्यू के रूप में हुआ, और क्यू नॉट इजकल टू जीरो के रूप में है, तो ये भी मेरा चार भी होगा। उसके बाद कहने का मतलब माइनस वन बट्टा टू भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस भी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये सारे के सारे नेगेटिव पूर्णांक संख्या है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तीन भी होगा, समझ गए, करते करते उसके बाद जीरो भी होगा गाइस, जीरो भी एक पूर्ण क्या कहते हैं परिमेय संख्या। कहीं कहिएगा सर जीरो कैसे होगा, क्योंकि जीरो के नीचे में नहीं कुछ तो वन है, पी बट्टा क्यू के रूप में है, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एक इंटीजर है, ये आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है। इसी तरह करते करते ETC ये सारे के सारे परिमेय संख्या हो। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप परिमेय संख्या को भली भांति समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या,
परिमेय संख्या। एकदम कंटिन्यू क्लास आप लोग करते चलना है, जो जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं तो भी इसको एकदम नोट डाउन करते सीरियली वे में चलना है। देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर गाइज। फर्स्ट एक दो दिन क्लास आपको दिक्कत होगी क्योंकि हम आपको फेस टू फेस नहीं, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें ज़्यादा लोगों की उसमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं अकेला बना रहा हूँ वीडियो आप लोग के बीच में, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट जरूर करेंगे। चलिएगा, कहने का मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब क्या, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो। कहने का मतलब इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, सिर्फ शॉर्टकट में हम लोग लिखते चलना, सिर्फ समझना है, ना कि हमको हिस्ट्री जगती लिखना है, ज्योग्राफी जगती, सिर्फ हमको समझना है क्या होता है। जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो, नहीं हो, समझ गए, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो, समझ गए, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपरिमेय कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और P और Q क्या होना चाहिए, कभी भी Q नॉट इक्वल टू जीरो, समझ, मतलब P बटा Q के रूप में नहीं हो। P बाय Q कहने का मतलब क्या, आंस अपन हर के रूप में नहीं हो। डेट मीन्स हम लोग लेते हैं इसका एक एग्जांपल को समझते हैं, एग्जांपल जैसे कि रूट थ्री। आप देखिएगा P और Q क्या होना चाहिए, हम बोले थे पूर्णांक, और P और Q जैसे यहाँ पर पूर्णांक यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन जानते हैं रूट थ्री एक पूर्णांक संख्या है, नहीं ना गाइस, नहीं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या से बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इसको लिखते हैं रूट फाइव बटा टू एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं गाइस, एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ जानिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है, आप लोग पढ़ेंगे सर, पाई का मान होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है गाइस, समझ गए, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन क्या होगा, ए एफ मतलब अनुमानित, मतलब ये मान लिया गया पाई का एक्चुअल मान 3 समथिंग कुछ वैल्यू आता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेकर चलते हैं, जो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो वैल्यू है 22/7 एक परिमेय संख्या है, जिसको हम लोग नोट करके भी लिखते चलेंगे। यहाँ तक गाइस मुझे विश्वास है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, कुछ नोट लिखते हैं इससे रिलेटेड कुछ नोट लिख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिखते चलेंगे, अच्छे से नोट बनाइएगा गाइस। और चलिए सबसे पहले जो इतना भी हम पढ़े हैं उसी में हम लोग नोट लिखते हैं, कभी परिमेय संख्या पढ़े हैं, नोट पॉइंट करेंगे इसको, नोट वन में लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्या अभी जस्ट बताए थे कि पाई क्या है, पाई एक क्या बोले थे, पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जबकि अभी क्या बोले थे, पाई का जो मान होता है 22/7, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्लियर गाइस, क्योंकि अभी जस्ट बोले थे पाई का अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, पाई का एक्चुअल मान 22/7, पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग इस तरह से है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 22/7 लेकर चलते हैं, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरी नोट वाली पॉइंट, नोट डाउन करने वाली बात क्या है, सो देखेंगे, जैसे आप लोग पढ़ेंगे टेंथ में, का वहाँ भी निकालना सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या दे देता है, बोला होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच चार परिमेय संख्या निकाले, पांच परिमेय संख्या, 50 परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या प्राप्त किया जाता है। क्लियर गाइस, समझ गए कि दो परिमेय संख्या, जैसे कहा जाएगा कि 2 और 3 के बीच, 2 एक परिमेय संख्या और 3 भी एक परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, हम मोर देन मतलब अनंत अनगिनत संख्याएं निकाल सकते हैं। आपके मन में चलता है कैसे हम निकाल सकते हैं,
उसको भी हम लोग देखते हैं, आपको टेंथ में सीखे भी हमको कैसे निकालना तो है नहीं, सिर्फ हमको जानना है कि इतना होता है, लेकिन तब पर भी अगर आपके मन में डाउट चल रहा है तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लेट माना कि हमने चल लिया कि ए एक संख्या है, बी भी एक संख्या है, आप इमेजिन कर लीजिए जैसे ए ए बी सी क्या है, ये सब एक क्या है, चर मान है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर। कहीं भी क्वेश्चन देखते हैं एक्स का एक एक्स का मान कहीं कुछ निकलता है कहीं कुछ निकलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन दो तीन चार पाँच कोई भी डिजिट है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अचर मान होते हैं। क्लियर, चार अचर भी कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे कि हमने अभी सोच रहे थे कि ए और बी के बीच दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने माना कि ए और बी दो परिमेय संख्या है जिसमें से हमने मान लिया कि बी बड़ा है ए से, ये भी कंडीशन फॉलो करना जहाँ क्या है b ग्रेटर देन a, मतलब a से b बड़ा है। तो आप लोग ए पी का सीरीज पढ़ेंगे तो हम लोग d निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या d निकालने का, d निकालते हैं b माइनस टू b माइनस a लिखते हैं, मतलब बड़का में छोटका को घटाते हैं b माइनस a हो जाएगा, होगा ना d, यहाँ के लिए डी ओ कॉमन सिर्फ घटा देते हैं दोनों कुछ, लेकिन यहाँ हम लोग निकालते हैं दोनों से निकालने के लिए दोनों से ये कर रहता है, उसके बाद जितना संख्या निकालना रहता है जितना जैक परमेय संख्या कहता है उतना प्लस एक कर दिए, ये डी निकल गया। तब क्या होगा, परमेय संख्या का रूप क्या होगा, तब परिमेय संख्या का रूप देखिएगा क्या होता है, सो देखिएगा पहला तो हम ए लिखते हैं, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, दूसरा क्या होगा ए ए प्लस टू डी, जितना कहेगा ए प्लस 3D। अब जी डी का वैल्यू रख के आए, ए का मान रख दीजिए, जितना कहेगा उतना संख्या निकालते जाइएगा, इससे भी परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के बीच निकल, इसको दो परिमेय संख्या अनंत परिमेय संख्या निकालने का बहुत फॉर्मूला है, इसको एक चीज़ ये सीखेंगे। एक दूसरा चीज़ आप लोग जानते होंगे, दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस बी बट्टा टू कीजिए तो एगो निकल जाएगा, मान लीजिए सी निकला, फिर क्या कर दिया ए प्लस सी बट्टा टू कर दीजिए तो फिर अगला निकलेगा डी, फिर क्या कीजिएगा बी प्लस सी बट्टा टू कीजिएगा तो मान लीजिए इसका निकला जी, फिर क्या कीजिएगा फिर इसी तरह से मान लीजिए कि कर सकते हैं डी प्लस ए बट्टा टू बराबर मान लीजिए जेड, कुछ इसी तरह से निकालते जाते हैं, एक जो आएगा फिर उसमें जोड़िए फिर इसी को डिलीट करके, ऐसे करके हम लोग परिमेय संख्या अनंत निकालते हैं। बहुत सारा तरीका है, हमको सिर्फ जानना है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। गाइस विश्वास है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगली पॉइंट हम लोग चलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी हम लोग पढ़ लिए, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या भी पढ़ लिए अच्छी तरह से, अब हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर की, सारे संख्या हम लोग पढ़ते चलेंगे, उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्लियर गाइस, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या, ऑल काउंटिंग नंबर आर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, कहने का मतलब क्या, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्लियर गाइस, अच्छे से समझ गएंगे, जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 5, 7 जो भी इन्फिनाइट तक ये सारे एक सारे नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर, नेचुरल नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या, भी ये छोटे छोटे चीज़ आप लोग को याद होगा तो भी याद होगा तो भी इसको निकालना, एक सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स बना लेना है ताकि आप भी कहीं किसी को कुछ बता सकते हैं, नहीं ये चीज़ पढ़ना रहता है और आपको भी माइंड में रहेगा कि हमने ये चीज़ को गेन कर लिया है। तो गाइस चलते हैं पूर्ण संख्या, देखिएगा पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब नेचुरल नंबर में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह होल नंबर बन जाता है, मतलब क्या कि शून्य सहित, मतलब क्या शून्य, शून्य सहित गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। समझ गए होंगे, जैसे कि एज पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्या बोला काउंटिंग शून्य सहित, मतलब पहले शून्य को शामिल किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये सारा सारा चीज़ क्या हो गया
हॉल नंबर हो गया गाइस। तो विश्वास है कि आपने नेचुरल नंबर को भी भली भांति से और हॉल नंबर को भी भली भांति से समझ गए होंगे। क्लियर गाइस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीजर नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इस सब को भी लिखते चलेंगे आप लोग कॉपी में रोक रोक के वीडियो को, और अगर कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आवे तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के माध्यम से कीजिएगा, ताकि हम और आपके लिए कुछ सुधार कर सकें। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, अगर इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होगी लिटरेचर बनाने में, तो आप लोग को कोई उतना उस पर मंथन करने की बात, मतलब डिस्कस करने की, जजमेंट करने की बात नहीं है। सिर्फ हमारी भाषाओं की भावनाओं को समझते चले, एग्जाम्पल को समझे, बस इतना काम करते चले। क्लियर। देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या होता है गाइज, आपने एक चीज़ पढ़े होंगे कि जैसे कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, जैसे मान लीजिए संख्या रेखा, मान लीजिए तटीय रेखा है, कहने का मतलब कोई भी संख्या स्टार्टिंग होता है जीरो से ही होता है, जीरो वन टू, मतलब वन टू थ्री, थ्री फोर, इसी तरह से करते 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 इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव होता है। जैसे कि जीरो से जस्ट कम क्या होगा, माइनस वन, इससे छोटा क्या होगा, माइनस टू, इससे छोटा क्या होगा, माइनस थ्री, इससे छोटा क्या होगा, माइनस फोर, कहने का मतलब इधर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। क्या गाइस क्लियर, कहने का मतलब क्या, धनात्मक, मतलब ये धनात्मक हो गया, इस साइड क्या हो गया, ओनली फॉर पॉजिटिव, इधर क्या हो गया, निगेटिव, और ये चीज क्या हो गया, जीरो, मतलब क्या, धनात्मक तथा ऋणात्मक। और ये चीज क्या है, ये सब, ये सारा वन टू थ्री फोर फाइव क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, और ये भी क्या है, गिनती की संख्या, मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोलते, प्राकृत संख्या के समूह को, ये पूरे समूह को क्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर। उसी चीज को भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, मतलब क्या, धनात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत, प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्लियर गाइस, इसकी डिफिनेशन भली भांति समझ गए होंगे आप लोग, उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, बनाते चलिएगा। एज पर एग्जाम्पल में भी ये चीज़ उसी को नोट कर लीजिए, एज पर एग्जाम्पल में ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, शून्य हो गया। अब आते हैं कि पूर्णांक को तीन प्रकार, पूर्णांक में तीन प्रकार की संख्याएँ सम्मिलित होती हैं। इसमें तीन प्रकार की संख्याएं देखिए सम्मिलित हुआ, क्योंकि एक धनात्मक संख्या सम्मिलित हुआ, एक ऋणात्मक संख्या सम्मिलित हुआ, एक शून्य सम्मिलित हुआ। तो तीन प्रकार की संख्याएं मैक्सिमम सम्मिलित हो सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा एरो डालकर कि पूर्णांक, पूर्णांक संख्या में तीन प्रकार की संख्या या संख्याएं सम्मिलित, सम्मिलित होती है, हुआ है, मतलब हुआ है। जैसे कि एज पर कौन कौन सा हुआ है, इसको देख लीजिए। पहला तो हुआ है क्या चीज, धनात्मक, धनात्मक धन पूर्णांक, मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कहने का मतलब धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। दूसरा क्या हुआ, धन, उसके बाद जीरो, जीरो जिसको बोले शून्य बोलते हैं, शून्य। उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, सी में ऋण, ऋण, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। जैसे इसको ऋण पूर्णांक लिखिएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इसी तरह से करते करते निगेटिव। आइए तो ओनली फॉर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर, ये सारे सारे चीज आ गए इसके अंदर। गाइस मुझे विश्वास है कि आपने पूर्णांक संख्या को भली भांति समझ गए होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग कुछ इस जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे कुछ कंक्लूजन निकलती है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, कुछ समझते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है अभी तक। तो कंक्लूजन क्या निकला है गाइस, वो देखेंगे।
तो नोट करेंगे, इसको नोट करते चलेंगे भाई, यही सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन बनता भी है। जैसे कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सबसे पहले पहले है कि आप गाइज ये बताइएगा, कंक्लूजन देखिएगा एक एग्जांपल से निकलेगा गाइज। जैसे अभी पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 इसी तरह से करते 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 इनफिनाइट तक, पॉजिटिव में मतलब अनंत तक। इधर पढ़े थे -1, -2 कहने का मतलब क्या, -3 करते करते -इनफिनाइट तक, यही पढ़े थे एग्जाम्पल में भी पूर्णांक संख्या को। तो नोट का पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, आप ये बताइए इसका स्टार्टिंग किधर से, या तो लेफ्ट से होता है या तो मतलब क्या लेफ्ट से स्टार्टिंग होता है, इंडी कहाँ से होता है, राइट साइड से होता है। तो मान लीजिए अब इधर से देखिएगा, इधर से बोलिएगा कि यहीं से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिएगा जब भी होगा इधर। अब इधर का संख्या अंतिम देखिएगा, इस साइड का संख्या कोई मालूम है नहीं मालूम, देखिए अंतिम की भी संख्या कोई मालूम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि पहला और अंतिम पूर्णांक संख्या नहीं बताया जा सकता है। कंक्लूजन क्या निकला कि पहला तथा अंतिम, लिखते भी चलिएगा, अंतिम पूर्णांक संख्या को ज्ञात मतलब क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर गाइस, क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप लोग भली भांति इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरी बात गाइस यहाँ पर समझने वाली बात है, अब ये बताइए गाइस, ये जैसे जीरो है ना, अगर हम कोई मान लीजिए जीरो, इसको कहेंगे कि -0 रुपया है, और कोई कहेगा कि +0 है। अब माइनस रहे या प्लस रहे, क्या जीरो को कोई प्रभाव पड़ेगा, है कुछ पड़ेगा? कहने का मतलब क्या, शून्य पर मतलब क्या होता है, शून्य पर पॉजिटिव और निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना, गांव घर के कहावत है कि ढड़िया सांप को फुफकार मारने से क्या होता है, मतलब क्या, ढड़िया सांप को किसी को काटता है तो कहीं बिख लगता है। तो वही बात यह है कि शून्य को फुफकार मारने मतलब क्या, इस पर अगर जीरो दे दीजिए, शून्य पर अगर पॉजिटिव प्लस दीजिए चाहे निगेटिव दीजिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब क्या एकदम थुम्बा गिराए, मतलब शून्य तो शून्य, मतलब क्या एक उदासीन संख्या, इस पर कोई मतलब क्या ये चार्ज लेस है, मतलब कि ओनली फॉर जीरो बगाई, या किसी संख्या से पहले लग जाए बाद में लगेगा तो बाप इसका बहुत विकराल रूप हो जाता है गाई। सारे चीज़ें भी समझाएंगे आपको, तो आप यहाँ पहले नोट डाउन कर लीजिएगा कि शून्य एक उदासीन संख्या है, उदासीन मतलब क्या चार्जलेस, उदासीन संख्या है शून्य, एक उदासीन संख्या है जिस पर गाइज क्या होता है प्लस, इसी जगह माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव प्लस माइनस मतलब क्या धनात्मक तथा ऋणात्मक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ गए। और यहीं से एक चीज और कंक्लूजन निकला गाइज, क्या निकला कि शून्य एक पूर्णांक संख्या हो, देखिए शून्य क्या पढ़े थे कुछ देर पहले, एक प्रमेय भी संख्या है, क्योंकि शून्य को हम लोग बोलते हैं ना उसे शून्य बटा एक, तो बताए थे कि एग्जांपल में शून्य एक प्रमेय संख्या, पीछे देखिएगा बुलेट की कॉपी। उसके बाद यहाँ पर देखिए शून्य भी ये क्या है पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग क्या 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 कह सकते, कंक्लूजन निकला शून्य एक पूर्णांक संख्या होते हुए भी एक प्रमेय संख्या है। क्लियर, मतलब क्या शून्य, अगला लिख लीजिएगा 3 नंबर में, शून्य एक पूर्णांक मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्या होते हुए भी क्या है, होते हुए भी यह एक क्या चीज है, परिमेय संख्या है। क्लियर गाइस, कैसे है वो भी भली भांति समझ गए होंगे, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपने इसको अच्छी तरह से गेन कर लिए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के इसको लिखते चलिएगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, कुछ छोटा पॉइंट लिख लेते हैं, सम संख्या जिसको पढ़ेंगे, सम संख्या इवन नंबर कहने का मतलब क्या, वैसा संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित, जो संख्या दो से पूर्णता
विभाज्य हो, उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। जैसे कि सब एग्जांपल्स डायरेक्ट लेते हैं, 2, 4, उसके बाद क्या होगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसी तरह 46 हो जाएगा, करते करते ETC जितना लिख सकते हैं ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं विषम संख्या। स्पीड सबको लेते चलते हैं क्योंकि जानते हैं हमें विषम संख्या मतलब क्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। गाइज कहने का मतलब क्या, जस्ट लाइक जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल हमको लेकर चलना है, जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल 1, 3, 7, 9, दो से विभाजित नहीं है, 13, 23, इसी तरह से करते करते ETC जितना आप जो देखेंगे दो से विभाजित नहीं हो, जितना बड़ा से बड़ा हो, ये सारे के सारे विषम संख्या हो गए। अब सम और विषम पढ़ें, इस दोनों से ये कुछ कंक्लूजन आपको निकलेगा जो आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है गाइस। अब बताइएगा सम संख्या में सबसे दो से छोटा कोई संख्या है जो दो से भी पूर्णतः विभाजित है, नहीं ना, तो कहने का मतलब सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद देखिए विषम संख्या बताइए, 1 से सबसे छोटा कोई विषम है और इससे भी छोटा है जो ये 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, नहीं नहीं। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, सबसे छोटी